हल्दी वाला दूध बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 1.5 कप दूध गर्म किया है, और जैसे ही दूध हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे हल्दी। तो 3/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दें और इसे डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो इसे लगातार मिलाते रहें, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी इलायची क्रश की हुई। आप इसकी जगह रेडीमेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो इसे डालकर हम अच्छे से मिला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर लिया। आप इसकी जगह खड़ी दालचीनी यूज़ कर सकते हैं 1 इंच। तो इसे डालकर जल्दी जल्दी मिलाना है, क्योंकि दालचीनी के पाउडर के लम्स पड़ने लगते हैं। तो जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी ली है। आप इसकी जगह गुड़ या फिर शहद का भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ चीनी से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और शहद भी चीनी से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो इसे अच्छे से मिला देंगे और 1 मिनट और उबालेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे छानकर हम सर्व कर देंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत प्रोटीनिशियस है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।